गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम राजयोगी। आपके लिए जो इंग्लिश क्लासेस एनसीईआरटी पैटर्न पर मैं बना रहा हूँ आपकी बुक्स के लेसन्स पर, उसी क्रम के अंदर उसी सीरीज में लेसन नंबर फर्स्ट का ये सेकंड वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से फ्रांस के जो टू डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जीत लिया जाता है। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट कौन से थे, एक तो अलसेस था और दूसरा लॉरेन था। इनको जीत लिया जाता है किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा। जर्मनी जो है अटैक करता है किसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर, और फ्रांस के ऊपर अटैक करके उसके दोनों डिस्ट्रिक्ट अलसेस और लॉरेन को जीत लिया जाता है। फ्रांस के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है। यहाँ के लोगों की क्या समस्या है कि उनको, वो है तो फ्रांसिस लेकिन उनको फ्रांसिस होने के बावजूद फ्रेंच भाषा नहीं आती है। और यहाँ जो टीचर पढ़ाता है फ्रांस के अंदर अलसेस और लॉरेन के अंदर, उस टीचर का नाम है एम हेमर। और इस लेसन के अंदर मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एम हेमर का जो शिष्य है वो फ्रेंच है, छोटा बच्चा है, उसको फ्रेंच भाषा नहीं आती है, उसको समझ में भी नहीं आती है, वो सीखने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो अपनी जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी कि जर्मनी जो युद्ध के अंदर जीत जाता है, जर्मनी का जो लीडर होता है बिस्मार्क, उसके द्वारा इसको लीड किया जाता है युद्ध को और वो जीत जाता है। तो क्या रूल्स और रेगुलेशंस जर्मनी के द्वारा अप्लाई किए गए, इम्प्लीमेंट किए गए किसके अंदर, अलसेस और लॉरेन के अंदर, कि यहाँ पर जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके स्थान पर जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और इससे क्या डिस्टर्बेंस हुआ यहाँ के स्कूल्स के ऊपर, यहाँ के टीचर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सारी चीज़ें अपने इस लेसन में देखेंगे। अपनी जो स्टोरी थी, जो लेसन है आपका फर्स्ट, अपन पढ़ रहे हैं कि आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है 12th क्लास की, उसका फर्स्ट जो चैप्टर है, वो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, उसका नाम है द लास्ट लेसन। उसकी स्टोरी अपन पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंच स्कूल जा रहा है, कहां जा रहा है, स्कूल। स्कूल जाते समय वो कौन कौन से ऐसे दृश्य देखता है, मैंने आपको ये बता दिया था कि ऐसे कौन से दृश्य देखता है जो उसको अटेम्प्ट करते हैं कि वो, मतलब वो आकर्षित होता है, अट्रैक्ट करता हो जाता है उन दृश्यों की तरफ, और वो स्कूल नहीं जाने की सोच रहा है क्योंकि उनके टीचर एम हेमल ने उनको क्वेश्चंस दिए थे लर्न करने के लिए, किसके ऊपर, पार्टिसिपल्स के ऊपर। तो पार्टिसिपल्स पर उसको कुछ भी याद नहीं हुआ, ही अफ्रेडेड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, इसलिए वो स्कूल से बंक मारना चाहता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है। तो वो बीच में जब फ्रेंच स्कूल जाते समय कुछ दृश्य देखता है, जैसे बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, है ना, क्राउड थी, उस क्राउड को देखकर उसके मन में कुछ विचार आते हैं कि आज इतनी भीड़ इसके सामने क्यों है, हो सकता है कोई ऑर्डर आया हो नया। और जब जब भी इस बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठी होती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आती है। तो ये क्वेश्चन भी है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या खबर लगी थी। तो मैंने आपको उसका आंसर भी बताया था कि एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन दैट जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अलसेस एंड लॉरेन इंस्टेड ऑफ फ्रेंच। फिर आगे वो जाता है तो उसको कुछ वहां पर लोग खड़े थे, वो कहते हैं कि अभी तो पेनल्टी ऑफ टाइम है, स्कूल जाने के लिए क्या है, पेनल्टी ऑफ टाइम है। तो फ्रेंच सोचता है कि मैं तो पहले ही स्कूल लेट स्टार्ट हुआ था तो मेरे पास पेनल्टी ऑफ टाइम कैसे हो सकता है। फिर आगे जाता है तो उसको जो पर्शियन सोल्जर थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, खेत के पीछे की तरफ एक आरा मशीन थी, आरा मशीन के वहां पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो दृश्य भी उसको बड़ा अट्रैक्ट करता है, वो वहां रुकना चाहता है। लेकिन फिर उसके मन में विचार आते हैं कि ही हैड पावर ऑफ रेजिस्टेंस, उसके पास में
विरोध करने की ताकत है, वो टीचर को कुछ भी बहाना करके कुछ बता देगा कि उसको याद क्यों नहीं हुआ। और बच्चों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं कोई चीज लर्न नहीं हुई तो। फिर आगे जाता है तो स्कूल के पास में एक स्मॉल गार्डन होता है। देखो स्कूल का सीन कैसा है मैं आपको बताऊं, जैसे ये एमएमएल का स्कूल है और स्कूल के यहां पर जिस जो रूम है उसके बाहर की साइड गार्डन है, ये गार्डन है और इधर भी गार्डन है और ये एंट्री गेट है। तो जो क्लास थी ना वो एसी थी, तो जब फ्रेंच स्कूल जाता है तो इस गार्डन के अंदर जो बर्ड्स थे वो चर्पिंग कर रहे थे, बर्ड्स वर चर्पिंग। तो ये दृश्य भी उसको बड़ा अट्रैक्ट करने वाला लगता है और वो वहां पर थोड़ी देर के लिए स्टे होना चाहता है। तो देखो कौन कौन से दृश्य हो गए, एक तो जो सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे वो वाला दृश्य, दूसरा बर्ड्स चर्पिंग का, और एक ब्राइट सन। उस दिन जो दिन था वो बड़ा ही एक तरह से सनी वाला था, सनी जो है सूर्य चमक रहा था, धूप वाला दिन था, इस वजह से वो वहां पर रुकना चाहता है, वो भी उसको आकर्षित करता है। स्कूल में एंट्री करता है फ्रेंच, तो फ्रेंच के मन में एक विचार आया कि जब मैं जाऊंगा ना तो स्कूल में बहुत सारी आवाजी होगी। उसके मन में विचार आएगी जब मैं स्कूल में एंट्री करूंगा तो बच्चे इधर उधर दौड़ रहे होंगे, मेरी बात ध्यान से सुने आप, तो क्या दृश्य था वहां का स्कूल का, मतलब उसके मन में विचार है कि हर बार ऐसा ही होता है। तो ये जैसे ही स्कूल वहां पहुंचा, स्कूल के बाहर गेट के मतलब खड़ा रहा तो देखा तो वहां पर जो है स्कूल का वातावरण ऐसा था जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्कूल इज लाइक या स्कूल लाइक एज अ संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग उसको स्कूल लाइक्स ऐसे कर ले, स्कूल लाइक एज अ संडे मॉर्निंग, स्कूल का वातावरण जो था ऐसा था जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो, किसको, फ्रेंच को। तो फ्रेंच जो है जाते देखता है कि आज संडे भी नहीं है, इतना पीसफुल क्यों है, आज का ये वातावरण जो है इतना पीसफुल क्यों है, बच्चों की आवाज नहीं आ रही, टीचर की आवाज नहीं आ रही, ऐसा क्यों है। ये सोच जाता कि इतने सारे शोरगुल के अंदर, हसल और बसल के अंदर, हसल और बसल के अंदर, शोरगुल के अंदर वो बिना किसी को कुछ कहे विद्यालय के अंदर चला जाएगा, स्कूल के अंदर चला जाएगा और अपनी क्लास में बैठ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, वहां पर बहुत पीस थी, बहुत क्वाइटनेस थी। अंदर जाता है वो देखता है खिड़की में से उसको कुछ स्टूडेंट पहले से ही बैठे हुए नजर आए, या तो बच्चे सब क्लास में बैठे हुए, एम हेमल क्लास के अंदर घूम रहा था। एम हेमल जो है क्लास के अंदर जो है अपना आयरन रूलर जो है लेकर घूम रहा था, ही हैड आयरन रूलर, ही हैड एन आयरन रूलर इन हिज आर्म। बड़ा स्ट्रिक टीचर था एम एमएल, तो एक लोहे का डंडा रखता था तो बच्चे डरते थे, तो एम बहुत घबरा गया। फ्रेंच छोटा बच्चा है, फ्रेंच घबरा जाता है, तो अंदर जैसे एंट्री करता है, एंट्री करते ही ऐसा कभी होता भी है जब बच्चा लेट आता है स्कूल के अंदर या क्लास में एंट्री करता है तो उसको बड़ी इंसल्ट फील होती है। तो ये जैसे अंदर गया गेट खोल के सबके सामने, सब बैठे हुए सबके सामने, ये बहुत घबरा गया, पहले इसको रूल से याद नहीं है और टीचर जो है क्लास में बड़ा ऐसा डेंजरस उसमें एपियंस के अंदर है तो ये बड़ा डरा हुआ है। तो एम एम एल उसको जाते कहते कि आओ बब, हम तो तेरे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, या फ्रेंच आओ, हम तो तेरे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे, तो इसकी इंसल्ट करता है वो। फिर ये जो है जैसे तैसे करके अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। जब ये सीट पे जाके बैठता है तो थोड़ा इसको कॉन्फिडेंस आता है कि कोई बात नहीं, सीट तो मिली, अब देखते हैं आस पड़ोस में कौन कौन आया है, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं फ्रेंड्स में कौन कौन बैठा हुआ है, भाई जिसको याद है वो भी आया है कि नहीं आया, या जिसको याद
नहीं है वो भी आया हो तो कोई बात नहीं, वो भी अपने जैसा ही होगा, मार गए तो सब साथ खा लेंगे। तो ये साथ में अपने फ्रेंड्स को इधर उधर देखता है, फिर इसके बाद में इसको एक स्ट्रेंज चीज जो है नजर आती क्लास के अंदर। वो स्ट्रेंज चीज क्या थी, वो स्ट्रेंज एपियरेंस क्या थी, कि जब इसने पीछे की तरफ देखा ना तो इसको कुछ गांव वाले बैठे हुए नजर आते हैं। ये भी क्वेश्चन है, हु वर सीटिंग ऑन द बेंच बैक बेंचेस, पीछे की सीटों के ऊपर बेंचेस के ऊपर कौन बैठे हुए थे। तो इसका आंसर है द विलेजर्स। कौन बैठे थे, गांव वाले बैठे थे। क्लास में गांव वालों का क्या काम भाई, क्लास में गांव वाले क्यों बैठेंगे, तो गांव वाले क्यों आए थे। द विलेजर्स वर सीटिंग ऑन द बैक बेंचेस, वर सीटिंग ऑन द बैक बेंचेस। तो इसके मन में एक डर उत्पन्न हो जाता है फिर, कि गांव वाले क्यों आए, रीजन क्या है, गांव वालों का आने का कारण क्या बन सकता है। फिर इसने एम एमल को देखा, तो एम हेमल जो है आज जो उसने क्लोथ पहन रखी थी, ड्रेस जो पहन रखी थी वो भी बड़ी अजीब थी। तो ये सारी चीजें, स्कूल का वातावरण संडे मॉर्निंग जैसा, एम हेमल का मतलब पीछे वाली बेंचों पर कुर्सियों के ऊपर या बेंचों के ऊपर गांव वालों का बैठा रहना, और एम हेमल का स्पेशल ड्रेस पहने रहना, ये सब कुछ ना कुछ। और दूसरा बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ का होना, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है पूरे इसमें, कुछ ना कुछ रहस्य है, सीक्रेट है। तो देखो क्या हुआ, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है कि व्हाट हैज बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है कि व्हाट डिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमल वियर एट दैट डे, उस दिन एम एमल क्या पहन रखे थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एम हेमल उस दिन क्या पहन रखे थे, एम हेमल वोर एट दैट डे ग्रीन कोट, एम एम एल वोर एट दैट डे स्पेशल क्लोथ, इसे भी कह सकते अपन स्पेशल ड्रेस एज, जैसे कि ग्रीन कोट, ग्रीन तो उसका कोट था, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट झालरदार एम्ब्रॉयडर्ड फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप, तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, ब्लैक सिल्क कैप, और ये सभी जो थे वो एम्ब्रॉयडर्ड थे, इनके ऊपर कसीदेकारी हो रखी थी, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थे, ऑल ओवर एम्ब्रॉयडर्ड, जिस पर कोई कसीदे निकले हुए रहते हैं, प्रिंट हो रखी होती है वो वाले कपड़े। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसका आंसर आप एक तो बुलेटिन बोर्ड वाला, एक एमएमएल उस दिन क्या पहन रखा था, वो एमएमएल का कैरेक्टर स्केच, फ्रेंच को किस या टीचर ने किस टॉपिक के ऊपर उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए कहा था। तो एक एक करके मैं लिखवाऊंगा भी सही क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस लेसन के। तो ये सभी मतलब जो है वो चीजें वो पहन रखा था। इसके बाद उसने देखा कि आज कोई ये जो कपड़े पहनता था इस प्रकार के, या तो कोई स्पेशल प्राइज डे फंक्शन होता था, या फिर कोई स्पेशल इंस्पेक्शन वगैरह करने कोई आते थे उस समय पहनता था, तो आज एमएमएल ने ये कपड़े क्यों पहने हैं भाई। अभी तक फ्रेंच की समझ में नहीं आ रहा कि ये लास्ट लेसन है अपना, लास्ट लेसन किसका, फ्रेंच लैंग्वेज का। इस लेसन का नाम लास्ट लेसन क्यों पड़ा, इसके पीछे भी रीजन है, जब लास्ट में अपन इस लेसन के कॉन्क्लूजन पे जाएंगे, लास्ट में इसकी लास्ट पार्ट को जब पढ़ेंगे समझेंगे तब तो पता चलेगा कि लास्ट लेसन कैसे हुआ। तो देखो क्या हुआ, क्लास में बैठ गया,
और टीचर जो है बोर्ड के सामने आता है, तो एमएमएल ने पहली बार जो है इस प्रकार वो बिल्कुल सीरियस है, स्कूल का जो पूरी क्लास का जो इन्वायरमेंट है बड़ा सीरियस है, पीसफुल है, सीरियस है। एमएमएल भी बड़ी सीरियस है, वैसे तो सीरियस रहते ही थे लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही सीरियस है। तो सारे बच्चे बैठे हुए हैं, एमएमएल बोर्ड के सामने जाते हैं और बोर्ड के सामने जाकर बच्चों से कहते हैं कि माई डियर स्टूडेंट, दिस इज योअर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, आई वॉन्ट टू गिव यू एंड यू मस्ट लिसन अटेंटिवली। एमएमएल क्या कहते हैं कि आप इस लेसन को बड़े ध्यान से सुनिए, यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम लेसन है। तो फ्रेंच जो है बड़ा सरप्राइज होता है कि ये क्या हुआ, लास्ट लेसन कैसे हो सकता है, आज मुझे तो कुछ सीखने को मिला ही नहीं, मुझे तो फ्रेंच भाषा समझ में ही नहीं आई, मैंने तो मेरा टाइम इधर उधर वेस्ट ही किया है अब तक, और अब क्या होगा, मेरा तो यहाँ सब कुछ ही स्टॉप हो जाएगा, मैं फ्रेंच भाषा सीख नहीं पाऊंगा। तो फ्रेंच बड़ा चिंतित होता है। तो देखो आगे क्या होता है, जब एमएमएल ने क्लास में ये अनाउंस किया कि दिस इज योर लास्ट लेसन, तो फ्रेंच जो उसका स्टूडेंट है वो बड़ा डर जाता है कि ये क्या हुआ, वो भूल जाता है कि मेरा टीचर जो एमएमएल है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो ये भूल जाता है कि वो आयरन रूलर रखता है, और फ्रेंच हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट एमएमएल, सब कुछ भूल जाता है एमएमएल के बारे में, क्या ये कितना बुरा था, डंडे से पिटाई करता था, आयरन रूलर रखता था, ये सारी चीजें भूल जाता है। फिर वह फ्रेंच जो है, लेकिन फिर भी देखो एमएमएल अपने लास्ट लेसन को बड़े ध्यान से पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों को, सभी बच्चों को एक एक करके सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। पहले उन्होंने जो है बच्चों से कहा कि आप अपनी ग्रामर की बुक निकालो, फिर हिस्ट्री पढ़ाई, फिर राइटिंग का काम करवाया। जब उन्होंने राइटिंग का काम करवाया तो सभी बच्चों को मतलब कुछ पेजेस दे दिए, और पेजेस देने के बाद में उनसे कहा कि आपको केवल क्या लिखना है, फ्रांस अल्सेस फ्रांस ऐसा लिखना है और कुछ नहीं लिखना, और बड़ी ब्यूटीफुल राइटिंग में आपको लिखना है। तो कुछ ऐसी चीजें लिखवाई उसने और सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझ रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं ना आज एमएमएल वो सबको समझ में आ रहा है, फ्रेंच के भी सब समझ में आ रहा है। तो फ्रेंच सोचता है कि मेरे तो आज दिन के पहले कभी समझ में नहीं आया इतना अच्छे तरीके से, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, या तो ये टीचर इतने अच्छे से पहले से कभी समझाता नहीं होगा, या हो सकता है पहले मैं ध्यान से समझता नहीं होगा, दोनों में से कोई ना कोई तो रीजन है, या तो मैं ध्यान से समझता नहीं था या फिर ये टीचर ध्यान से समझाता नहीं था, लेकिन आज फ्रेंच के सबको समझ में आ रही है, बिकॉज इट इज द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन है इस वजह से। मतलब सुनने पर डिपेंड करता है एमएमएल उनको सब कुछ पढ़ाने के बाद में। अच्छा गांव वाले क्यों आए हुए थे, द विलेजर्स वर कम हेयर टू थैंक एमएमएल फॉर दियर 40 ईयर्स फेथफुल सर्विस, वो भी धन्यवाद करने के लिए आए थे। गांव के जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति थे, ओल्ड होसर था, गांव का मुखिया था, रिटायर्ड जो पोस्टमैन था वो था, बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबके पास में बुक्स थी, प्राइमर लेके आए थे, प्राइमर होती है बालपोथी जिसमें ABC वगैरह अपन सीखते हैं, क ख ग सीखते हैं, वो प्राइमर लेके आए थे, बड़ी बड़ी चश्मा लगी हुई है, मुंह में दांत नहीं है, और फिर भी वो फ्रेंच भाषा के लेटर्स का उच्चारण कर रहे हैं, दीज आर ऑल फनी, ये बड़ा मजाकिया था, बच्चे हंसना भी चाह रहे थे लेकिन हंस नहीं पा रहे थे क्योंकि बड़ा सीरियस माहौल था। तो एमएमएल उनको समझा रहे हैं बच्चों को। अब एमएमएल सब बच्चों से ये कह रहे हैं कि बच्चों आज देखो हम उस स्थान पर आ पहुंचे, उस पॉइंट पे आ पहुंचे, टुमारो करते कल सीख लेंगे, इस काम को कल कर लेंगे, आज हम उस स्थिति में आ गए कि हमारे पास टाइम नहीं है और ये लास्ट लेसन है। सारे बच्चे सब सीरियस हैं। अच्छा एमएमएल उस बहुत अच्छी बातें बताते हैं उनको कि भाषा जो होती है कोई सी भी भाषा हो,
उस कंट्री के व्यक्तियों को जहां पर वो रहते हैं उनको उस देश की भाषा आना चाहिए, उसके प्रति उनको वफादार होना चाहिए। और तुम हो जो अपने आप को फ्रांस के लोग मानते हो आप अपने आप को, और तुम्हें फ्रेंच भाषा नहीं आती। ये भी बताते हैं कि अगर कोई देश किसी अन्य देश का स्लेव हो जाता है, गुलाम हो जाता है, तो उसको फ्रीडम प्राप्त तभी होती है जब उसको उसकी भाषा जितनी उसकी मजबूत होगी तभी वो आजादी प्राप्त कर सकता है, फ्रीडम प्राप्त कर सकता है। तो लैंग्वेज इज द की ऑफ की टू फ्रीडम, लैंग्वेज इज की टू फ्रीडम, लैंग्वेज आजादी की चाबी है। ये बातें उनको बताते हैं। दूसरी बात कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पीपल ऑफ अल्सेस ऑफ अल्सेसियन लोरेन, व्हाई डिड दे डू नॉट व्हाई डिड दे एबल टू लर्न फ्रेंच, वो फ्रेंच भाषा क्यों नहीं सीख सके, क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज दे वर नॉट सीरियस, वो सीरियस नहीं थे। दे पुट देयर चिल्ड्रन इन टू द फील्ड वर्क, वो अपने बच्चों को फील्ड वर्क में लगा देते हैं। उनको तो अच्छा देखो, बच्चे की एजुकेशन में पेरेंट्स का रोल बहुत होता है। अगर पेरेंट्स घर पे देखेंगे नहीं बच्चों को, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, या उनको पूछेंगे नहीं भाई आपको क्या पढ़ाया गया है, तो अगर वो फिर धीरे धीरे बच्चा काम में हाथ बटाने लग जाता है तो पेरेंट्स जो है वहाँ पर केयरलेस हो जाते हैं, हाथ बटाने लग जाता है तो पैसे कमाने के पैसा थोड़ा ज़्यादा आने लग जाता है, फिर फील्ड वर्क में ले जाते हैं। तो ये मैं ये नहीं कर रहा कि यहाँ की प्रॉब्लम है, गाँव में ऐसा होता है कि बहुत सारे आज अपने इंडिया में जैसे गाँव है जहाँ बच्चे स्कूल से जाने के बाद खेतों में काम करते हैं, अपना होमवर्क वगैरह छूट जाता है उनका, मतलब पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते जिससे वो पीछे रह जाते हैं। तो भाषा सीखना बड़ा आसान है, एमएमएल कहता है कि, लेकिन अगर हम किसी काम को टुमारो पे डालेंगे कि कल कर लेंगे, और लाइफ में टुमारो कभी नहीं आता है, टुमारो नेवर कम्स इन द लाइफ, ये कहावत भी है। कल कल करते करते एवरी टुमारो चेंज इनटू टुडे, प्रत्येक टुमारो टुडे में चेंज हो जाता है और टुमारो एक दिन आगे बढ़ जाता है। इसलिए काम को कल पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सारी बातें बताने के बाद में एमएमएल कहते हैं कि थोड़ी बहुत जिम्मेदारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी है कि मैंने आपको हो सकता है सही ढंग से नहीं पढ़ाया हो सकता है मेरी भी कमियां रही हो, मैंने आपको छुट्टियां दी हो, ऐसी बहुत सारी बातें वो बताते हैं। और एमएमएल ये सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद में बच्चों को और लिखने का काम वगैरह देने के बाद में लास्ट में कुछ टिप्स बताते हैं भाई हमें किस प्रकार से सीखना चाहिए। लेकिन कल से तुम्हारा नया टीचर आ जाएगा, तुम्हें पढ़ाएगा, मेरा कोई रोल नहीं होगा। अगले वीडियो में मैं इसका कंक्लूजन करूँगा और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको लिखवाऊंगा। ओके, गुड डे, बाय।